Hey दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग इस बात से चौंक गए होंगे कि आखिर एक मैकेनिकल इंजीनियर को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की क्या ही जरूरत पड़ने वाली है तो देखो दोस्त जब से इंडस्ट्री का फोर्थ रेवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं जहाँ कभी मैकेनिकल कन्वेयर सिस्टम इंडस्ट्रीज की लाइफलाइन हुआ करते थे वही अब एजीबीज ने इनकी जगह लेना स्टार्ट कर दिया है तो अब आप पूछोगे कि सर इसका पाइथन लैंग्वेज से क्या लेना देना है तो देखो टेक्नोलॉजी में आ रहे की वजह से धीरे धीरे ओल्ड टेक्नोलॉजीज जहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम्स का ज्यादा यूज होता था वही अब डिजिटल सिस्टम ने अपनी जगह लेना स्टार्ट कर दिया है तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि मैकेनिकल ब्रांच वाले सालों साल सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़े और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी स्किल्स को अपग्रेड करे ताकि उन्हें मार्केट में एटलीस्ट एक अच्छी प्राइवेट जॉब तो मिल सके तो इस चीज में आपकी हेल्प करने के लिए आज मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड सभी जानकारी दूंगा लाइक किस तरीके से इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर पाइथन लैंग्वेज का यूज करते हैं एंड कुछ फ्री कोर्सेज भी दूंगा जिसके बेस पे आप ही पाइथन लैंग्वेज को सीख के टेक्निकल फील्ड की अच्छी जॉब को पा सकते हो तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके okay, तो चलिए समझते हैं कि पाइथन क्या है तो देखो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका ज्यादातर यूज सॉफ्टवेयर एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किया जाता है बट इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल बेसिकली प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है जिसमें कि सबसे पहला यूज होता है डिजाइनिंग प्रोसेस लाइक कैड कैम एंड सी में होने वाले रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट करना अब इन तीनों काम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो की रिपीट होती है लाइक जियोमेट्रिकल मेनुपुलेशन डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन तो ये सारे काम पाइथन लैंग्वेज के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑटोमेट कर देते हैं जिसकी वजह से डिजाइनिंग का जो प्रोसेस है वो काफी स्मूथ हो जाता है एंड काफी कम समय में अच्छी डिजाइन यानी कि ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है इन सभी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए स्क्रिप्टिंग का यूज किया जाता है बेसिकली स्क्रिप्टिंग एक सीरीज ऑफ कमांड होता है जिसकी वजह से सारे रिपीटेटिव काम ऑटोमेट किए जा सकते हैं इसके अलावा पैरामेट्रिक डिजाइन के थ्रू भी डिजाइनिंग के कॉम्प्लेक्स काम को आसान बनाया जा सकता है बेसिकली पैरामेटिक डिजाइन नॉर्मल के डिजाइन से अलग होता है जिसमें कि सिंपल वैल्यू के चेंज के साथ ही ओरिजिनल डिजाइन एंड ड्राइंग में भी चेंज ऑटोमेटिकली हो जाता है तो अगर आपको भी एक डिजाइन इंजीनियर बनना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा Python का यूज किया जाता है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की फील्ड में देखो प्रेजेंट टाइम में हर कंपनी चाहती है कि वो हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट में हमेशा आगे रहे तो इस चीज को बनाए रखने के लिए उन्हें कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम पे करनी होती है तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम कंपनीज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का सहारा लेती है एंड पाइथन लैंग्वेज का यूज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में बेसिकली रोबोट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऐसे इक्विपमेंट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं वो बेसिकली पाइथन के थ्रू ही डेवलप किए जाते हैं अगर बात करें बेसिक लेवल के ऑटोमेशन की तो वहाँ पे पीएलसी प्रोग्रामिंग का भी यूज किया जाता है बट अगर एडवांस लेवल की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम जगह पे आपको पाइथन लैंग्वेज ही देखने को मिलेगा सो so, अगर आपको रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की फील्ड में जाना है देन पाइथन लैंग्वेज सीखना आपके लिए यहाँ भी हेल्पफुल रहेगा अब बात करते हैं थर्ड यूज ऑफ पाइथन लैंग्वेज क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस की फील्ड में भी पाइथन लैंग्वेज का बड़े लेवल पे यूज होता है हर कंपनी के लिए उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर किसी कारण से उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी में खराबी आ जाए तो ऐसे में कंपनी का जो पूरा रेपुटेशन है मार्केट में गिर जाएगा तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा बेहतर बनी रहे हर कंपनी यूएन बेस्ड क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम को एलिमिनेट करके ई बेस्ड क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम को लाने की सोच रही है बिकॉज ऐसे सिस्टम में एरर के चांसेस कम होते हैं अगर मैं कुछ कॉमन ई बेस्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन सिस्टम की बात करूँ तो इमेज बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम मशीन लर्निंग बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम कंप्यूटर विजन रोबोटिक्स इंस्पेक्शन सिस्टम ये कुछ एग्जाम्पल है ए आई बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम के बेसिकली इन सिस्टम में जितने भी टाइप के कंपेरिजन या मेजरमेंट होते हैं उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो ज्यादातर पाइथन लैंग्वेज के थ्रू ही की जाती है अब बात करते हैं पांचवे एप्लीकेशन की डेट इज डेटा एनालिसिस देखो डेटा एनालिसिस अपने आप में ही एक अलग डोमेन है बट अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर के में बात करूँ तो मान लो आपने किसी कंपनी को एज अटेनेंस इंजीनियर ज्वाइन कर लिया एंड आपको एक प्रोजेक्ट मिला जहाँ पे आपको अपनी मशीनों के ब्रेकडाउन को कम करना है तो इस चीज को कम करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी डेटा की डेट इज कौन सी मशीन है जो सबसे ज्यादा खराब रहती है उसको खत्म कर पाओगे तो ऐसे में डेटा एनालिसिस का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देखो डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें से पाइथन लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है तो इसलिए अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ पे

फ्री में सीख सकते हो तो देखो पाइथन के किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा तो इस चीज के लिए स्किलअप का ये फ्री कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा ये कोर्स बिगनर्स के लिए है जिसमें कि आपको पाइथन इंस्टॉलेशन से लेके पाइथन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स एंड लाइब्रेरीज की भी जानकारी दी जाएगी अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये फ्री कोर्स सबसे पहले आपको करना है एंड पाइथन बेसिक्स को सीखना है उसके बाद जो एडवांस लाइब्रेरीज एंड कॉन्सेप्ट है वो आप डायरेक्टली लर्न पाइथन डॉट ओ आर जी पे जाके सीख सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक के साथ डेटा साइंस ट्यूटोरियल एंड एडवांस ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे जिसमें कि जो जो मैंने टूल्स एंड लाइब्रेरीज बताए वो ज्यादातर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे लाइक देखो And Panda यहाँ पे है इसपे सिंपलीट जाएंगे तो कर सकते हो इसकेटेड बहुत सारे फ्री मिलेंगे एंड इन सभी फ्री कोर्सेज का लिंक मैं आपको के में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से इन कोर्सेज को इन कर सकते हो एंड जो टूल्स एंड लाइब्रेज बाकी जाए उनको आप यूट्यूब के थ्रू सर्च करके उनका फ्री ट्यूटोरियल फाइंड कर सकते हो लाइक मैंने

करें या फिर आप अपना सजेशन मेंशन कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना एंड अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया है तो लिटरली आप डेली बेसिस के जॉब अपडेट एंड बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को मिस कर रहे हो तो अभी ही दोनों चैनल को फॉलो कर ले एंड उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी यूट्यूब वीडियो के रेगुलर अपडेट को पाने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक